तो दोस्तों, क्या आपके भी डिवाइस में स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है? जब भी आप कोई काम करने चलते हैं तो डिवाइस स्टोरेज की वजह से आप काम कर नहीं पाते हैं और आपका फ़ोन हैंग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आपके इस फ़ोन में जो भी स्टोरेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो भी स्टोरेज है आपका फुल हो जाता है, आप उसे आसानी से खाली कर पाएंगे और आपका ये फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। यहाँ से मैं आपको दो ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपने इसी डिवाइस में कर देंगे तो दोस्तों आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो यार इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ले करके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल में स्टोरेज की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर। अब आप बोलेंगे प्ले स्टोर, तो जी हाँ, प्ले स्टोर में कई ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपका जो डिवाइस स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पर आएंगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आइकन डीपी का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस का, तो इस पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों यहां ऊपर की तरफ आपको एक मैनेज की सेटिंग दिखेगी, आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा और ये जो ऐप आप देख पा रहे हैं ये तो इंस्टॉल है, बट कुछ ऐप ऐसे भी होते हैं जो हाइड तरीके से आपके फ़ोन का स्टोरेज यूज़ किया करते हैं और इंस्टॉल रहते हैं। तो आपको सिंपल से यहाँ इंस्टॉल्ड पर क्लिक करना है और इंस्टॉल्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉट इंस्टॉल्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ये नॉट इंस्टॉल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से कई सारे ऐप दिखेंगे जो कि आपके डिवाइस का स्टोरेज यूज कर रहे होते हैं और आपके डिवाइस में स्टोर इंस्टॉल नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस सिंपल से इन्हें एक एक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको डिलीट का, इस पर डिलीट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी यहां पर ये बहुत सारे हैं इसलिए मैं सबको एक एक करके सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। आप अपने फोन में एक एक करके सेलेक्ट करके या एक बार में सारे सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिएगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके डिवाइस में बहुत सारा स्पेस जो यहाँ पर ऐप में यूज़ हो रहा था वो खाली होके बाहर आ जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों दूसरे नंबर की जो सेटिंग है वो ये करनी है, आपको चले जाना है अपनी सेटिंग पर और दोस्तों यहाँ सेटिंग पर ऊपर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके सर्च करना है स्टोरेज। ठीक है, जैसे आप स्टोरेज सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टोरेज की सेटिंग हो जाएंगी। अब ये ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास दूसरा फ़ोन हो सकता है तो आप सेटिंग जब सर्च करेंगे तो आपके फ़ोन की आपके सामने खुल करके आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे नीचे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे रिसाइकिल बिन का दिखेगा। तो रिसाइकिल बिन एक ऐसी जगह होती है, जैसा कि आप सभी को बहुत सारे लोगों को पता होगी कि यहाँ पर वो वाली फाइलें सेलेक्ट हो जाती हैं या स्टोर हो जाती हैं जो दोस्तों आप अपने फ़ोन से डिलीट करते हैं बट वो यहाँ पर स्टोर रहती हैं। ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारी फाइलें, जंक फाइलें यहाँ पर आपकी स्टोर रहती हैं। जैसे माय फाइल्स में मैं जाता हूँ तो ये कई सारी फाइलें यहाँ पर हैं। अब मैं सिंपल से आपको क्या करना है, इन सभी को ऐसे सेलेक्ट करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है। आप सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर डिलीट ऑल का ऑप्शन आ रहा है तो आप डिलीट ऑल कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मेरी ये काम की हो सकती है इसलिए मैं इसे नहीं हटा रहा हूँ, बट आप अपने फ़ोन में ये सारी डिलीट कर लीजिएगा अगर आपके वो काम की फाइलें नहीं हैं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा अनयूज्ड ऐप्स का ऑप्शन। अनयूज्ड ऐप वो होते हैं, कई जो ऐप होते हैं आप कभी उनको यूज ही नहीं करते हैं बट वो फालतू में आपके फोन में इंस्टॉल रहते हैं और आपके डिवाइस का स्टोरेज घेरे रहते हैं। ऐसे में क्या करना है, आपको सिंपल से उस ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहां से इसको सैमसंग वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं और ये देखिए दोस्तों, ये काफी इस तरीके से आपके भी फोन में होगा। जैसे कि यहाँ से मैं GB व्हाट्सएप, ये मेरे में इंस्टॉल है, मैंने किसी काम के लिए किया होगा बट मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो GB व्हाट्सएप अब आप देख पा रहे होंगे ना 200 MB का, तो यहाँ सिंपल से अनइंस्टॉल मार दीजिएगा इसको। इस तरीके से आपके भी फ़ोन में बहुत सारे होंगे, आप सबको एक एक सेलेक्ट करके जो है अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। इसके बाद आपको डुप्लीकेट फाइल नाम से दिखेगा, यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में आपने फ़ोटोज़ खींची, दो फ़ोटोज़, तीन फ़ोटोज़, चार फ़ोटोज़, सेम पोज में जो फ़ोटोज़ होती हैं वो सभी यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं और आप यहाँ से सेलेक्ट करके धीरे धीरे, ठीक है, एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। SD कार्ड में भी होगा, आपके इंटरनल स्टोरेज में वो
इंटरनल स्टोरेज में भी होगा, ठीक है। इसके बाद लार्ज फाइल होती हैं, वो फाइलें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और आपके फ़ोन में स्टोर रहती हैं। जैसे कभी कभार आप अपने फ़ोन में फिल्में वगैरह अगर डाल के रखते हैं तो दोस्तों वो जो है यहाँ पर स्टोर रहती हैं, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ दिखेगा इंटरनल स्टोरेज 62%, तो यहाँ पर आप सो मोर पर क्लिक कर लीजिएगा और बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा आपके सामने जो भी आपको जहाँ भी, जैसे यहाँ ऐप्स में 15 GB का स्टोरेज ये खा रहा है हमारा फ़ोन, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अब जैसे आप इसमें अंदर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे फेसबुक है 0.5 GB है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम क्या होता है ना बहुत सारी फाइलें हम लोग डाउनलोड करते रहते हैं फिर यूज नहीं करते उनको, वो सारी आपकी स्टोर रहती हैं। तो आप अंदर जा करके स्टोरेज में जा करके सिंपल से यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर डेटा या क्लियर कास्ट फाइल करेंगे तो अंदर का जो स्टोरेज है वो आपका खाली हो जाएगा। इस तरीके से एप्लीकेशन जो आपके काम के ना हो उनको भी आप इस तरीके से करके उनका भी स्टोरेज खाली कर सकते हैं और अपने फ़ोन में उसका जो है स्टोरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इतना करने के बाद ये कुछ दो चार सेटिंग मैंने जो आपको बताई ये आपको अपने फ़ोन में कर लेनी है और दोस्तों डेफिनेटली आपको अपने फ़ोन में काफ़ी सारा वेस्टेज जो स्टोरेज था वो आप खाली कर पाएंगे और दोस्तों जो है आप अपना जो फ़ोन है उसको स्मूथली चला पाएंगे। और इस तरीके की सेटिंग्स को आप हर हफ्ते में, इस तरीके की जो प्रोसेस हैं उनको आप हर हफ्ते कर लिया करें ताकि आपके फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम कभी भी जनरेट ना हो सके, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।